हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली डोमेन ऑन रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या चीज़ है। डोमेन का मतलब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन में क्या रखा जा सकता है, और रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू कैसे आने वाली है। दैट इज, अगर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स बना लीजिए। सबसे पहला काम तो ये करो। इसका मतलब जब मैं इसके ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ के अंदर क्या होगा, मैं कुछ x की वैल्यूज रखने वाला हूं और फंक्शन की वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब y एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यूज आती हैं और x एक्सिस के ऊपर हम x की वैल्यू रखते हैं। अगर मैंने ऐसे कोई ग्राफ बना दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप x की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हो और इसका आंसर कैसा आएगा। जैसे यहां देख पा रहे हो कि इसका आंसर इसके ऊपर है, यानी हमारे पास कुछ बाउंडेशंस होंगी। कुछ हम लोग x के ऊपर बाउंडेशंस रखते हैं, कुछ बाउंडेशंस y की वैल्यू के ऊपर होती है, यानी फंक्शन की वैल्यू पे होती है। इन्हें ही हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम x के बारे में, हमारे x के बारे में हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें, तो हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, वो सारी x की वैल्यूज, आप उसका एक सेट बना लो, वो सारे x की वैल्यूज फॉर विच y यानी के fx, मैं यूं लिख देता हूं, फॉर विच fx, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यानी के y इज रियल। वैसे यहां पे एक वर्ड हम लोग यूज में लेंगे, डिफाइंड। अब ये डिफाइंड के ऊपर आप लोग को बता दूं, बहुत सारी लड़ाई होती है इस, वैसे इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, डिफाइंड का मतलब होता है हमें प्रॉब्लम है दो चीजों से। एक, जब भी कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, हियर द डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, डी यू मीन्स एन यू मीन्स न्यूमरेटर and DE means denominator. Denominator should not be equal to zero. Secondly, if at all you are getting a square root और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा, क्या लिखा है, एक term लिख रखे, then this term must be positive. इसका मतलब ये हुआ, ये जो term आपने लिखी है that should be greater than or equal to zero. This you have to keep it in mind. और आने वाली वीडियो में आपको मैं इसी के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। जैसे ये हो गया हमारा डोमेन, तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, हम एक्स के बारे में चीजें बताने वाले। एंड व्हेन आई से अबाउट रेंज, आंसर कैसा आएगा, तो मैं इसको रेंज को क्या कह सकता हूं, रेंज को हम लोग समझने के लिए यूं कह देंगे, इट इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। जब x के बारे में बताओगे तो डोमेन है, y के बारे में बताओगे तो रेंज है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x, यहां पे लिख देता हूं x वॉज रियल, या यहां पे लिखा ना y इज, तो इज रहने देते, कोई बात नहीं, इज रियल या डिफाइंड। क्योंकि हम लोग पहले x को समझा चुके हैं इसलिए वॉज लिख रहा था मैं। तो ये हो गया हमारे रेंज की एक प्रॉपर डेफिनेशन। यानी y के बारे में पता लगाना है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फर्स्ट पुट द फंक्शन इज इक्वल टू y एंड देन कन्वर्ट, कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दो कि ये x इज इक्वल टू एक नया फंक्शन जी वाई के नाम से तैयार हो जाए। यहां जब x के बारे में बताओगे तो डोमेन है, y के बारे में बताओगे तो रेंज है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जल्दी से उस वीडियो को देख के चेक कर लेना कि कैसे एक फंक्शन के रेंज और डोमेन निकालते हैं। थैंक यू।